जय श्री कृष्णा। आज हम गीता धाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का जो आपका राजस्थान अध्ययन क्या है राजस्थान अध्ययन पुस्तक है उसका पहला अध्याय 1857 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा मुगल वंश का अंत, मराठों का आगमन गमन और अंग्रेजों से संधि। और अब हम पढ़ेंगे क्रांति। क्या क्रांति के कारण हमने पढ़ लिए थे, अब है हम पढ़ेंगे घटनाएं, क्रांति की घटनाएं। तो पहली क्रांति की जो घटना थी वो थी नसीराबाद में। कहां है? नसीराबाद में, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो नंबर वन पे है नसीराबाद छावनी। तो राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ, उसके निम्न कारण थे। नंबर वन, इसलिए उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लांसर के सैनिक विद्यमान थे। वहां पर 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी और दूसरी थी बंबई लांसर। क्या था? बंबई लांसर। बंबई लांसर के सैनिक ये वहां पर थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उसमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। दूसरा कारण था कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय के अजमेर में शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। अजमेर में जो शस्त्रागार था उसकी रक्षा ये कर रही थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। संदेह होने के कारण उसे नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज रहने लगे। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और फिर दिल्ली के संदेशवाद साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार करने का संदेश दिया। कुछ संदेह की साधु आए और चर्बी वाले कारतूस के बारे में है जो प्रचार किया। क्या प्रचार किया ये भी है जो नसीराबाद की संस्कार था। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते थे, इस धार्मिक भावना के कारण वे उत्तेजना फैली। और चौथा था, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण करने के लिए बाहर से यूरोपीय सेना और तोपे मंगवाई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब ये बात प्रकट हुई तो है जो और ज्यादा उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। राजस्थान में जो घटना हुई नसीराबाद की वो हुई थी आपके 28 मई 1857 को ये घटना हुई और उन्होंने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गया, सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी जिसमें मेजर स्पॉट वुड और कर्नल न्यू पारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कैप्टन हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दी।
खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन पर विद्रोही सैनिकों ने चार ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक भी बूंद नहीं बहाई और चार अधिकारियों की मृत्यु हुई। कितनी? चार अधिकारियों की हत्या हुई। बाकी इस घटना में कुछ नहीं है। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिक ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिसमें अंग्रेज की हार हुई। और जून 18 कब? 18 जून 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए। क्या है? दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर है जो अधिकार कर लिया। नसीराबाद के बाद राजस्थान में जो सैनिक विद्रोह हुआ वो नीमच में हुआ। कहां हुआ? नीमच में। कहां हुआ? नीमच में। नीमच में, नीमच में सैनिक विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ और सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी के बाद नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते गए और उसमें आग लगाते वे शाहपुर पहुंच गए। शाहपुर में के शासक ने क्रांतिकारियों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की थी। क्रांतिकारियों ने लूटपाट की। क्या की? लूटपाट की और वहां से दिल्ली की ओर, क्या? दिल्ली की ओर, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। क्या क्या? प्रस्थान किया। और उसके बाद है जो शाहपुर के शासक, शाहपुर के शासक शासक ने है जो मदद की। क्या की? मदद की। शाहपुर के शासक ने उनकी मदद की। इसके बाद क्रांतिकारी निम्बेड़ा पहुंचे जहां की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। उसके पश्चात क्रांतिकारी से देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थान पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। नीमच के बाद क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर सावर्स कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ के राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। एजीजी जो उस समय राजस्थान का एजीजी था जिसका नाम था लॉरेंस, क्या नाम था? लॉरेंस। उसने और कैप्टन सावर्स सावर्स की मदद से उन्होंने है जो 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। का अधिकार हो गया। तो इस तरह से ये क्रांति पहली 3 जून से शुरू हुई और 8 जून यानी 5 दिन के बाद ये क्रांति, लेकिन ये सफल रही क्योंकि सैनिक सकुलस कुशल हैं जो दिल्ली पहुंच गए। कल हम एरिनपुरा और आउवा की क्रांति के बारे में विवेचना करेंगे। धन्यवाद। लो दादा।